हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। और आज मैं करने वाली हूँ योग नाइटी की कटिंग, क्योंकि मैं नाइटी सिल रही थी, एक कपड़ा लाई हुई थी तो उसी को ही मैं काटने वाली ही। तो आज करते हैं वीडियो को स्टार्ट नाइटी के साथ। सो आज मैं आपको बताऊँगी नाइटी कटिंग और स्टिचिंग कैसे करते हैं। तो मैं करती हूँ नाइटी में पहले कटिंग, उसके बाद हम सिलेंगे उसे। सो ये है मेरा कपड़ा जो मैं लाई हुई हूँ नाइटी के लिए बनाने के लिए। ये है कपड़ा जो कि मैं फोल्ड कर चुकी हूँ इसे, और ये है बंद साइड। और यहाँ से मैं अब नाप लूँगी। सबसे पहले लेंगे हम गला, जो कि गला में लूँगी 3 इंच, और नीचे रखूँगी गला में 4.5 इंच। ज़्यादा बड़ा नहीं लेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं जितना आप गला चाहते हैं। तो मैं 4.5 इंच ले रही हूँ यहाँ पे। और यहाँ से 3 इंच है। तो ये हो गया हमारा गला। यहाँ पे गले में गोलाई दे देंगे थोड़ा। ये कपड़ा मेरा मुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे गले में दे देंगे गोलाई। और अब हम लेते हैं मुड्डा, जितना भी आपका तीरा है। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 7 इंच में मैंने निशान लगाया है। और नीचे को आर्म होल भी मैं 7 ही लूंगी। तो यहाँ पर मेरा 7 आ रहा है आर्म होल। और जितना आपका चेस्ट है उसका चौथाई हिस्सा आपको लेना है। तो यहाँ पर मैं क्योंकि खुली नाइटी बना रही हूँ, तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ चेस्ट का अपना चौथाई हिस्सा। तो यहाँ पे मैंने चौथाई हिस्सा लिया है। और आर्म होल की भी हम यहाँ पे शेप दे देंगे गोलाई में। और एक्स्ट्रा आपको ले लेना है जितना भी आपका चेस्ट है उसमें, आप प्लस कर लीजिए 2। क्योंकि नाइटी है ये, तो जितना लूज ही अच्छा रहता है। तो मैं यहाँ पे मैंने पूरा टोटल लिया है 12 इंच, और टोटल लंबाई भी ली है मैंने इसकी 10 इंच। और यहाँ पे 1/2 इंच का मुड्डा अगर आप गिराना चाहें। गला लिया हुआ है पहले, ये लंबाई मैंने 4.5 इंच ली है, यहाँ से 3 इंच लिया है। मुड्डा मैंने लिया है यहाँ पे 7 इंच पूरा टोटल। और यहाँ को आर्म होल भी मैंने 7 लिया है। और गोलाई मैंने यहाँ पे 9.5 इंच प्लस मैंने इसमें 2 इंच किया है। ये मैंने टोटल 12 इंच लिया हुआ है। और इसकी जो लेंथ है योक की, ये मैंने ली हुई है 10 इंच। तो मैं इसे अब कट कर लूँगी। सो ये मैं अब काट चुकी हूँ टोटल, देख सकते हैं आप। गला मैंने दोनों बराबर ही लिया हुआ है आगे पीछे का, क्योंकि नाइटी है सेम ही लिया हुआ है। अगर आप डिजाइन रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। और ये मैंने कटिंग कर चुकी हूँ उसकी, और अब करते हैं नीचे पार्ट की कट। सो पीछे का पार्ट मैंने पीछे का ये रख के ही ऐसे ही काटूंगी इसे। ये पीछे का पार्ट है उतना ही जितना लिया हुआ है, 12 इंच था ये, तो 24 है टोटल। तो इसको भी मैंने फोल्ड कर लिया है इस पार्ट को भी, और तो इसे इतना ही काट लूँगी पीछे का, क्योंकि मुझे आगे से रफल्स रखनी है तो पीछे का पार्ट यही रखूँगी। तो इसे मैं अभी कट कर लेती हूँ ऐसे ही। सो मैं ये पीछे का पार्ट काट चुकी हूँ उसके बराबरी,
और अब आगे का पार्ट थोड़ा बड़ा रखूंगी क्योंकि उसमें मैंने रफल्स रखनी है तो वो बड़ा रखती। सो अब ये मैं लिया है आगे का पार्ट जिसमें ये मैंने रखा हुआ है आगे के पार्ट को, और ये लिया हुआ है मैंने पीछे का एक्स्ट्रा, इतना एक्स्ट्रा लिया हुआ है रफल बनाने के लिए। तो अब मैं इसे काट दूंगी इसे, और लेंथ आप जितनी आप मैक्सी की रखना चाहें, आपकी जितनी लेंथ हो आप उतनी ही रख सकते हैं। तो मैंने ये पूरा मेरा फुल था ये 42, तो 50 हो रहा है अप्रॉक्स पूरा, तो मैंने पूरी लेंथ ली हुई है। जितना मेरे को थोड़ा बड़ा लगेगा मैं उसे फोल्ड कर लूंगी। तो आप इसे मैंने बाजू भी नाप ले लिया है, 4 फोल्ड में बाजू मैंने किया है ये कपड़ा, और जो कि मैंने ये लिया हुआ है मोहरी 6 इंच मैंने ये लिया हुआ है, और 1 इंच का मैंने मार्जिन रखा हुआ है, और यहाँ से मैंने लंबाई जो है बाजू की 5 इंच ली हुई है, और यहाँ से मैंने गोलाई ऐसे दी हुई है। और मैं अब ये बाजू को कट कर लूँगी जैसा कि आप देख सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने बाजू की कटिंग भी कर चुकी हूँ। सो अब ये मैंने ली हुई है उरेब पट्टी जो कि मैंने काटी थी गले के लिए, आगे पीछे गले के लिए दोनों उरेब पट्टी लगाऊंगी मैं, क्योंकि बुकरम नहीं है मेरे पास और वैसे भी नाइटी है तो उसमें चल जाएगा, तो मैं इसे उरेब पट्टी ही लगाऊंगी उसमें दोनों आगे पीछे गले में। तो अभी हमें उरेब पट्टी ज्वाइंट कर रही थी तो मैंने उरेब पट्टी को ज्वाइंट कर रही हूँ यहाँ पर। सिलाई अच्छे से लगा लेंगे क्योंकि फिर उरेब पट्टी निकल जाएगी तो गला ख़राब हो जाएगा। तो आप अगर आप उरेब पट्टी लगाते हैं तो आप भी सिलाई अच्छे से कर लीजिएगा। मैंने इसमें 2 बारी सिलाई कर चुकी हूँ और ये जॉइंट हो चुका है, और ये काफ़ी है आपका गले के लिए आगे पीछे, क्योंकि लंबा था काफ़ी, तो ये दोनों गले में हो जाएगा आगे पीछे। और ये है अब मेरा पार्ट नाइटी का ऊपर का। अब मैं इसमें उरेब पट्टी लगा दूँगी गले में इसके, जो कि मैं अब यहाँ पे जो उरेब पट्टी है मैंने डबल फोल्ड कर रही हूँ, तो डबल फोल्ड करके ही लगाएंगे, और आगे से लगा रही हूँ मैं गले के, क्योंकि ये पीछे को मुड़ जाएगा उसके बाद सिलने के बाद, और पीछे मैं तुरपन कर दूँगी इसमें बाद में। तो अभी मैं लगा रही हूँ उरेब पट्टी गले में, आगे पीछे दोनों गले में मैं उरेब पट्टी ही लगाऊँगी। सो उसके बाद मैं यहाँ पर उरेब पट्टी अपने लगा चुकी थी आगे गले में, और जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने आगे से सिलाई रखी हुई है, और मैं बाद में अगर इसमें कर लूँगी। और यहाँ पे मैंने जो मेरा पार्ट था नीचे का उसमें मैंने रफल्स भी बना दी हैं ये, जैसा कि आप देख सकते हैं, और मैं इसे पार्ट को मैं ज्वाइन करूँगी अब इस पर। आप भी वो रफल्स बना जो पार्ट है उसमें रफल्स बना के आप अपने पार्ट को उस पर ज्वाइन कर लीजिए, ऊपर का जो आपका योक है चोली है। सो मैं अब इसे ज्वाइन कर रही हूँ नीचे के पार्ट और आपका अपने योक को नाइटी पार्ट को और ऊपर का चोली को, और मैंने यहाँ पे रफल्स बनाई हुई हैं तो उसके ऊपर ही मैं ज्वाइन कर लूँगी। और ये नाइटी बहुत ही इजी है, आप आराम से इसे बना सकते हैं, जिसे नहीं भी आती होगी वो भी आराम से बना लेगा इसे, क्योंकि ज़्यादा इसमें है नहीं कटिंग करनी होती है और बस सीधा सीधा सिलना ही होता है। और अगर आपको कुछ पूछना हो या समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि तो यहाँ पे मैंने आगे के पार्ट में मैं कर चुकी हूँ जॉइंट पार्ट और योक हो, तो ये मेरा जॉइंट हो सकता है जैसे कि आप देख सकते हैं, और इसमें मैंने रफल्स भी बनाई हुई हैं। सो ये हो गया है मेरे आगे का पार्ट जॉइंट। अब मैं करूँगी अपना दूसरा पार्ट को जॉइंट करूँगी पीछे का पार्ट, ये मेरा आगे का पार्ट है। सो अब मैं ये पीछे का पार्ट ज्वाइन कर रही हूँ। सो यहाँ पे मैंने दोनों पार्ट अपने ज्वाइन कर लिए थे, उसके बाद मैं अपने मुड्डा ज्वाइन कर रही थी ऊपर कंधा, जो कि मैं यहाँ पे दोनों कंधे ज्वाइन कर लूँगी अपने। और आपको जो कंधा ज्वाइन करना है आप करते हैं तो आप वो 1/2 इंच मार्जिन छोड़ के ही आपको ज्वाइन करना है, जिससे कि वो सिलाई निकलेगी भी नहीं
और आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो इसलिए ये मैं ज्वाइन कर रही हूँ यहाँ पे, और डबल सिलाई रखूँगी इसमें। मैं एक मैंने सिलाई रख दी है, अब मैं डबल सिलाई रखूँगी इसमें, जिससे कि ये पक्का हो जाएगा और निकलेगा भी नहीं। तो यहाँ पे डबल सिलाई रख देते हैं। ये मैंने एक ज्वाइन कर लिया है अपना मुड्डा, अब मैं दूसरा ज्वाइन कर लूँगी कंधा यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने दूसरा कंधा भी ज्वाइन कर लिया था, उसके बाद मैं जो ने बाजू मैंने काटी हुई थी स्लीव, तो मैं यहाँ पे स्लीव भी ज्वाइन कर लूँगी अपनी। तो ये हो गई है मेरी और यहाँ फाइनल पे मैंने मैक्सी स्लीव बन ज्वाइन गई है करके यार। ये फाइनल लुक है मैक्सी का, जो कि गला भी मैंने तुरपन नहीं की हुई है, गले में तुरपन करूँगी मैं। और यहाँ मैंने लटकन भी लगा, डोरी भी लगा रखी है, जैसा कि आप देख सकते तो हैं। ये हो चुकी है मेरी मैक्सी बन के तैयार, सके आप देख सकते हैं। ये मैंने डोरी लगाई हुई है, डोरी भी काफी मोटी है, और ये फ्री साइज की मैक्सी है, किसी को भी आ सकती है ये। और ये ऐसे बांधने के लिए, और ये ऐसे आप पीछे को भी बांध सकते हैं, पीछे को ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये पीछे को बांध सकते हैं। और यहाँ पे मैंने एक थोड़ा अटैच कर रखा है शो पीस के लिए, अच्छा लग रहा है। तो ये है मैक्सी, जो कि फुल फ्री साइज मैक्सी है। तो ये थी मैक्सी की कटिंग और स्टिचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे। और मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने इसी में ही मेरा ये कपड़ा ज़्यादा था तो इसी में ही मेरा एक सूट भी निकल गया है, तो मैं सूट भी सिलूंगी। देखती हूँ सूट की वीडियो भी मैं अगर डाल सकती हूँ तो डालूंगी। कटिंग तो मैं कर चुकी हूँ, स्टिचिंग करनी है बस। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय।